एक एक करके आपको उन चेहरों के बारे में समझाता हूं जिनके नाम प्रधानमंत्री पद के लिए चर्चा में आते रहते हैं। आज अखिलेश यादव का नाम चर्चा में आया तो सबसे पहले बात अखिलेश यादव की ही करते हैं। अखिलेश यादव की ताकत को समझिए। विधानसभा चुनाव में पार्टी को बढ़त दिलाई, सपा का वोट प्रतिशत रिकॉर्ड 32% के पार पहुंचा है। ये उनकी ताकत है अखिलेश यादव। ओबीसी वर्ग से आते हैं, ये राजनीति में एक बड़ा हथियार है क्योंकि यूपी और बिहार समेत कई राज्यों की राजनीति में इस फैक्टर की बड़ी अहमियत है। यादव और मुस्लिम वोटर्स के बीच अच्छी पहचान है, यही वजह रही है कि सपा का वोट बैंक बहुत ज्यादा बढ़ा। हिंदी बेल्ट से आते हैं, अच्छा भाषण देते हैं, ये भी अखिलेश यादव की एक बड़ी ताकत है। अखिलेश यादव युवा हैं, युवाओं में अच्छा संवाद करते हैं, ये अखिलेश यादव की ताकत। अखिलेश यादव की अगर कुछ ताकत है तो कुछ कमजोरी भी है। अब आपको इसके बारे में आपको बताते हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव की अगर कमजोरियों, राजनीतिक कमजोरियों की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक कोई भी चुनाव अपने दम पर नहीं जिताया। लोकसभा हो, विधानसभा हो, अखिलेश हर चुनाव में भाजपा से हारे हैं। हार के बाद गठबंधन के साथ ही छूट जाते हैं, ये पिछली हर बार से देखा गया है। राज्यभर ने एसी में रहने वाले नेता की छवि बनाने की कोशिश की, हालांकि अखिलेश जमीन पर उतरते दिखाई देते हैं। विरोधी कहते हैं ट्विटर पर राजनीति करने वाले नेता है, यूपी के ही क्षेत्रीय दलों से गठबंधन नहीं बचा है, ये भी एक बड़ी कमजोरी है। कांग्रेस और बसपा से गठबंधन करके छोड़ चुके हैं, ऐसे में अब दोनों से गठबंधन होगा इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। दूसरे राज्यों के गैर एनडीए दल साथ आने में हिचकेंगे, ऐसा कई जानकार मानते हैं। अब बात राहुल गांधी की करते हैं जो प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं। राहुल गांधी की ताकत की अगर बात करें, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं, दक्षिण राज्यों तक कांग्रेस की बड़ी पहचान है, देश भर से पहले जाने वाले नेता हैं, देश भर में उनकी पहचान है। मजबूत विकल्प के रूप में खुद को पेश करते हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, सरकार पर हमलावर भी हैं, ये ताकत है। राहुल गांधी की कमजोरी की अगर बात करें तो अमेठी से चुनाव हारे, पुराना किला गंवाया, 2019 में पार्टी को मजबूती नहीं दिला पाए, वंशवाद का टैग लगा, विरोधी हमलावर रहते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है, हमेशा एक्टिव रहने वाले नेता की पहचान अभी तक नहीं बन पाई है। नीतीश कुमार की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि नीतीश का नाम खूब चर्चा में है, पिछड़े वर्ग से आते हैं, कई दल सहमत हो सकते हैं, हिंदी पट्टी वाले बड़े राज्य से आते हैं, सत्ता चलाने का लंबा अनुभव रखते हैं, महिलाओं का वोट बैंक मिलता रहा है। बिहार की अगर बात करें, मंडल युग के दिग्गज नेताओं में से एक है। नीतीश कुमार की अगर कमजोरी की बात करें तो बार बार पाला बदलने की के चलते विश्वास की कमी, यानी विश्वसनीयता का फैक्टर भी यहां पर है। देशव्यापी नेता के तौर पर बड़ी पहचान नहीं, सत्ता के लिए किसी भी दल के साथ जाने की छवि रखते हैं। बिहार पर पिछड़े राज्य का टैग लगा है जिसको नहीं छुड़ा सके, युवाओं से बेहतर कनेक्ट अभी तक नहीं है, इस तरह की भी छवि है। ममता बनर्जी की बात कर ली जाए, ममता बनर्जी की अगर ताकत की बात करें तो ममता बनर्जी भी पीएम की रेस में है। ममता बनर्जी की ताकत की बात करें तो बंगाल में अपने दम पर लेफ्ट का किला ढहाया पहले, इस वक्त देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री है। 2019 में पश्चिम बंगाल में भाजपा को करारी पटकनी, जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने वाली नेता के तौर पर छवि है ममता बनर्जी। कमजोरी की अगर बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर पकड़ नहीं है अपनी, सिर्फ बंगाल में ही राजनीति सीमित है। पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे, विरोधियों ने मुस्लिम हितैषी राजनीति के भी आरोप लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल भी पीएम बनने की रेस में रहते हैं, उनका नाम भी आम आदमी पार्टी की तरफ से विकल्प के तौर पर जरूर उछलता है। इनकी ताकत और कमजोरी भी आपको समझाता हूं। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो मुफ्त की योजनाओं को लेकर सबसे बड़ी पहचान बनी है, ये ताकत है। दिल्ली में भाजपा को 2 बार बुरी तरह हराया, दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बनाई, मिडिल क्लास और शहरी लोगों का जुड़ाव है, हिंदी और अंग्रेजी पर मजबूत पकड़ रखते हैं, भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देते हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाजपा को टक्कर देने की पूरी कोशिश करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए और स्कूल और मॉडल की बात दिल्ली के पूरे देश भर में चर्चा होती है। अब अरविंद केजरीवाल की कमजोरी की बात करते हैं। दिल्ली पंजाब के बाहर कहीं भी जनाधार नहीं, वन मैन शो वाली छवि है, दूसरा बड़ा कोई नेता नहीं पार्टी में, कई राज्यों में चुनाव लड़ा, अधिकतर जगह हारे, यूपी और उत्तराखंड की जनता ने भरोसा नहीं जताया, मुस्लिम तुष्टिकरण के मुद्दे पर भाजपा अमूमन घेरती रहती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।